एलपीजी आउट ऑफ कंट्रोल। 113 रुपए वाली एलपीजी 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। महंगी एलपीजी नामंजूर। अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर। रिक्शा ड्राइवर्स का चिमटे तवे देचकियां सिलेंडर उठाकर नैब ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना। बर्तन पीट कर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चीफ जस्टिस और चेयरमैन नैब से महंगी एलपीजी का नोटिस लेने का मुतालबा। कंपनीज ने कीमतों में मनमाना इजाफा करके गरीबों को लूट लिया। चेयरमैन रिक्शा यूनियन मजीद गौरी। ड्राइवरों ने रिक्शे खड़े करके मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गाड़ियों की लंबी कतारें। शहर के दाखिले पॉइंट्स पर ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गैस लोड शेडिंग। एलपीजी माफिया के वारे न्यारे। अवाम की जेबों पर दिन दिहाड़े डाका। एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त से 16 रोज में 125 रुपए की कमाई। गैस 30 से 50 रुपए फी किलो महंगी और महंगे फरोख्त करने लगे। यौमिया 8 करोड़ की एलपीजी की फरोख्त का धंधा धड़ल्ले से जारी। मकामी प्रोड्यूसर मस्नूई किल्लत पैदा करके कीमत बढ़ा देते हैं। एलपीजी एसोसिएशन। कभी गैस लोड शेडिंग, कभी बिजली के झटके तो कभी पेट्रोल बम। हाँ, हुकूमत के पहले 100 दिन गरीब आवाम पर कहर बनकर गुजरे। अशियाए खुरनोश में 30% इजाफा। दाल चना 90 रुपये से बढ़कर 120 रुपये तक जा पहुंची। दाल मूंग 95 से 110 रुपये। दाल माश 116 रुपये किलो। लाल मिर्च की कीमत 25 रुपये फी किलो बढ़ा दी गई। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक खत्म। स्मार्ट कार्ड मुतारफ। स्मार्ट कार्ड का कल इजरा, आज इफ्तिताह। स्मार्ट कार्ड के इजरा से जालसाजी का खात्मा होगा। बड़ा सूबा है, मामला चलाने में तसल्ली रखें। कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। हुकूमती इदारों को मजबूत करेंगे। वजीर आला पंजाब की स्मार्ट कार्ड के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। छप्पन कंपनियों में इजाफी तनख्वाहों की गूंज। इजाफी तनख्वाहें वापस लेने के फैसले पर नजरसानी की जाए। बड़े अफसरान ने बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी अली आमिर मलिक और चीफ ऑपरेटिंग अफसर अकबर नासिर खान की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। तनख्वाहें कानून के मुताबिक ली, कोई इजाफी तनख्वाह वसूल नहीं की। दरख्वास्त में मौकिफ, नैब इंक्वायरी खत्म करने और तनख्वाहें कानून के मुताबिक करार देने की इस्तदा। भारी फीस लेने वाले बेशतर स्कूल एफआईए के शिकंजे से बाहर। महकमा स्कूल्स एजुकेशन 5000 से जायद फीसें लेने वाले स्कूल्स की लिस्टें तैयार करने में नाकाम। जायद फीस लेने वाले 30 में से सिर्फ 15 स्कूल ही रडार में आ सके। 100 स्कूल्स के फॉरेंसिक ऑडिट पर सिर्फ 3 अफसर मामूर। शहरी बाल्टी में पानी भरकर गाड़ियां धोएं। एलडीए और वासा पहले मरहले में पाइप के जरिए गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद करें। पानी का जया रोकने से मुतालिक हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। पंजाब हुकूमत पानी महफूज बनाने से मुतालिक इकदाम के बारे में अदालत को आगाह करें। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। सरकारी अफसरान खबरदार होशियार, गैर कानूनी काम पर एहतसाब होगा। पंजाब हुकूमत का आजाद कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन शिकायत पर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ तहकीकात करेगा। कमीशन एक चेयरमैन और 2 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। हाईकोर्ट के इतराफ में तजावजात के मुकम्मल खात्मे का हुक्म। अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर तजावजात के खिलाफ केस की समाप्त। मजंग टर्नर रोड और एजी ऑफिस के सामने से तजावजात खत्म की जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। मनामा में ससुरालियों की जानिब से आग लगाकर बहू को कत्ल करने का मामला। पुलिस ने लड़की के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी है। असल हकायक जल्द मंजरेआम पर लाएंगे पुलिस हुकाम। पंजाब हुकूमत की सानहा मॉडल टाउन पर वाजे और गैर मुबहम जेआईटी बनाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने नई जेआईटी की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बैंक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। एडवोकेट जनरल पंजाब के वजाहती बयान की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी गई। हुक्मनामा जारी।
पुरानी नारकली में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, चोर शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े, वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूर। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त 28 दिसंबर को जारी की जाएगी। इंतखाबी दंगल 12 जनवरी को सजेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 16वां कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। 1327 तलबा में डिग्रीज तकसीम की जाएंगी, पोजीशन होल्डर्स तलबा को मेडल से नवाजा जाएगा। फन अदाकारी का एक और बाब इख्तिताम पजीर, फिल्म रेडियो टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार अली एजाज इंतकाल कर गए। अली एजाज की उम्र 77 वर्ष थी, दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। 28 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया। ख्वाजा एंड सन और खोजी के डायलॉग आज भी सदोआम। अदाकार नन्हा के साथ जोड़ी सुपरहिट साबित। इंटरनेशनल ओपन हॉकी टूर्नामेंट, दूसरे रोज पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान प्रेसिडेंट 11 और उज़्बेकिस्तान की दोस्ताना मैच खेलेंगे। कल पाकिस्तान ने नेपाल को 9 गोल से शिकस्त दी थी।